जी राजीव जी, देखिए विदेशों से जो संदेश आ रहा है इसको जरा हमें समझना चाहिए। विदेशी जो विदेश नीति है उसके इर्द गिर्द, ये बिल्कुल भी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की, या मैं यहाँ तक कहूँ कि राहुल गांधी की मदद करने के लिए नहीं है। राहुल गांधी का नाम जरूर आ रहा है लेकिन वो राहुल गांधी की मदद नहीं कर रहे हैं। वो क्यों ऐसा बयान आ रहा है और खासकर लोकतांत्रिक देशों से आ रहा है, इसको समझना पड़ेगा हमें। कल जब मोदी जी का आपने सुनाया था उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि इस वक्त भारत G20 का अध्यक्ष है और G20 के अध्यक्ष होने के नाते अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें साजिश कर रही हैं तो ये एक विदेश नीति का बयान माना जाए। अब आप देखिए कि ऐसा हो रहा है कि विदेशी नेता या विदेश मंत्रालय अलग अलग मुल्कों के राहुल गांधी के मामले पे बोल रहे हैं। देखिए सबको ये दिखाई दे रहा है कि डेमोक्रेसी खत्म कैसे की जाती है। उनकी मूल चिंता डेमोक्रेसी है भारत की, और क्यों है ये भी बताऊंगा मैं अभी। तो उनकी मूल चिंता डेमोक्रेसी है और वो ये देखते हैं कि दुनिया में जहां भी डेमोक्रेसी खत्म की जाती है वहां पे सबसे पहला काम यही होता है कि अदालतों के जरिए, पुलिस के जरिए, एजेंसीज के जरिए प्रतिपक्ष को, विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला जाता है, उनको रास्ते से हटाया जाता है। पूरी दुनिया का इतिहास देख लीजिए, जहां भी डेमोक्रेसी खत्म हुई है वहां ये हुआ है। तो दुनिया इसको इस ढंग से देख रही है कि आपके देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता, पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता, उसको अगर आप कोर्ट केस में फंसा कर, और वो कौन फंसा रहा है, सत्ताधारी पार्टी का विधायक, उसका ही मुकदमा है, गुजरात में है। तो कोई किसी ने आंखों में पट्टी नहीं बांधी हुई है राजीव जी। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए भारत एक आर्थिक शक्ति है, भारत एक क्षेत्रीय शक्ति है साउथ एशिया में, और भारत एक परमाणु शक्ति है। मुख्य चिंता यहां है। पाकिस्तान की आर्मी को लेकर दुनिया भर में बहुत अविश्वास है। पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है। पाकिस्तान को एक रोग कंट्री के तौर पे पश्चिमी देश देखते हैं और उस पर निगाह रखते हैं कि वो दाएं बाएं नहीं जाए अपने रास्ते से। चाइना न्यूक्लियर पावर है, इकोनॉमिक पावर है और अनस्टेबल है। पूरी दुनिया अपने आप को कि वो टोज में रहती है, उसको चाइना को लेकर चिंतित रहती है, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को लेकर। भारत एक अकेला देश है इस पूरे क्षेत्र में जो परमाणु शक्ति है, जो आर्थिक शक्ति है और जिसके यहाँ पर डेमोक्रेसी है। लेकिन चिंता ये बढ़ रही है कि अगर धार्मिक उन्माद के आधार पर सत्ता में आई बीजेपी या सत्ता में बैठी हुई बीजेपी, वो अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रही है, विपक्षी नेताओं को खत्म कर रही है, तो विदेशों की चिंता इस पूरे रीजन के शांति पर जाती है, क्योंकि भारत एक परमाणु शक्ति है। ये चिंता की बात है। वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को बेल आउट नहीं कर रहे हैं, उनकी चिंताएं दूसरी हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने भी बोला, यूएन ने भी बोला है। तो इस बात को समझना चाहिए हम लोगों को, पहली बात। जी दूसरी बात की जो विपक्षी एकता की बात है,
एक महत्वपूर्ण जानकारी राजीव जी मैं दे दूं आपको कि आने वाले सोमवार को तमिलनाडु में डीएम के एक कॉन्क्लेव बुला रही है सामाजिक न्याय पर। एक बड़ा जलसा हो रहा है, उस जलसे में 20 विपक्षी पार्टियां भाग ले जा रही हैं और पहली बार वो पार्टियां भी जा रही हैं जो अभी तक के विपक्ष के रोड मैप में नहीं दिखती हैं, यानी आंध्र प्रदेश की वाईएसआरपी और उड़ीसा की बीजेडी, ये दोनों पार्टियां भी वहां जा रही हैं। तो विपक्षी एकता का एक नया रोड मैप तमिलनाडु से निकलेगा और वो एन कर्नाटक के इलेक्शन के बीच में या शुरुआत होने के बाद ये बैठक हो रही, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जी तीसरी बात, छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, सुप्रीम कोर्ट की बात जो आपने शुरू की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही अब हेट स्पीच का विक्टिम है। भारत का कानून मंत्री पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजों को कह रहा है कि वो एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को कोई कड़ी नहीं देखनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है उसको, वो तो खुद ही हेट स्पीच का विक्टिम है। और जाहिर सी बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि स्टेट इसमें कंट्रोल कर सकता है तो कर सकता है, स्टेट के पास पूरी ताकत है। और स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टियां हैं, उन्हीं के उकसावे पे होता है। बिल्कुल आप देखिए, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां क्यों नहीं सब होता है, या हो तो उस पे तुरंत लग जाता है। तो और बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है राजीव जी, कि उन्होंने फ्रेटर्निटी की बात कही है, भाईचारा, ये शब्द उन्होंने भारत के संविधान के प्रियम्बल से लिया है। और मैंने लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट को मतलब करस्पॉन्डेंट कवर किया है, सुप्रीम कोर्ट को देखता हूँ करीब से, ऑब्जर्व करता हूँ उनके ऑर्डर्स को, उनके ऑब्जर्वेशंस को। मुझे ये सुप्रीम कोर्ट का जो प्रियम्बल को उन्होंने इन्वोक किया है, जिसका जिस सेंटेंस में राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी है, जी कल सुप्रीम कोर्ट इसी हेट स्पीच को भाईचारा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जोड़ेगा, ये उसका रास्ता।